श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। भगवान श्री कृष्ण स्वयं संध्या करते थे। प्यारे लोगों, कबीर साहब की निस्बत विद्वान लोग कहते हैं कि वे बहुत श्रुत थे, इससे वे ज्ञान ध्यान की बात बहुत जानते थे। किंतु कबीर साहब स्वयं कहते हैं, मैं मर्जी वा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। इसमें संशय नहीं कि कबीर साहब बहुत श्रुत थे, किंतु उन्होंने साधन भी किया था और तब वे ज्ञानी हुए थे। जैसा कि उनके उपर्युक्त वचन से पता चलता है, वे कहते हैं, डुबकी मारी समुद्र में निक्षा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। दूसरी जगह वे कहते हैं, शून्य ध्यान सबके मन माना। शून्य ध्यान कैसे होगा, इसका पता अभ्यासी को मालूम होता है। शून्य ध्यान भगवान श्री कृष्ण को भी पसंद था। श्रीमद्भागवत में आया है, उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले तुम मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर चेहरे का, और इन दोनों में दृढ़ हो जाने पर शून्य में ध्यान करो। यथा इंद्रियाणि द्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरा प्राणेन मयि सर्वतः तत् सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्य कत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेन मुखं तत्र लब्ध पदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्। श्रीमद्भागवत स्कंद 11 अध्याय 14। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उसके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। मुखारविंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में अस्थिर करे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं संध्या करते थे। वे ब्रह्म मुहूर्त में संध्या करते थे, हर संध्या के समय करते होंगे। किंतु एक विद्वान ने लिख दिया कि महाभारत के मैदान में संध्या के समय अन्य लोग संध्या करते थे और भगवान श्री कृष्ण घोड़े की परिचर्या करते थे। संत कबीर साहब की वाणी झीनी झीनी बीनी चदरिया पर उन्होंने यह लिखा है कि कबीर चादर बीनता जाता था और यह पद झीनी झीनी बीनी चदरिया गाता जाता था, मानो परमात्मा को ओढ़ाने के लिए वह चादर बिनता हो। लेकिन उनके संपूर्ण पद को सुनिए, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरणी, कौने तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरणी, सुषमन तार से बीनी चदरिया, आठ कवल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया, साई को सियत मास दस लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली किन्नी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यो की त्यों धर दिन्ही चदरिया। एक विद्वान ने सतपुरुष इक बसे पश्चिम दिशी तासों करो निहोर का अर्थ क्या था कि कबीर मुसलमान खानदान के थे, इसलिए उन्होंने मक्का का संकेत किया। किंतु वे इसका क्या अर्थ करेंगे जब कबीर साहब ने चारों दिशाओं का हाल कहा है। जानता कोई ख्याल ऐसा, पूरब शोधी पश्चिम दिशी लावे,
अर्ध उर्ध के भेद बतावे। शिलानाथी दक्षिण को धाओ, उत्तर दिशा को सुमिरन चाखो, चारों दिशा का हाल ऐसा। केवल विद्या बुद्धि से ही संत वाणी का अर्थ नहीं हो सकता, इसके लिए युक्ति जाननी चाहिए और अभ्यास भी करनी चाहिए, तभी संत वाणी का ठीक ठीक अर्थ हो सकेगा। स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना मरना है। कबीर साहब ने कहा है, मरिए तो मरी जाइए, छूटी परे जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में सौ सौ बार। यहाँ दिन का अर्थ समय से है, समय में ही रहकर लोग जन्मते मरते हैं, लेकिन जब तक जन्म का कारण जो है उसके पार न हो जाए तब तक यह छूट नहीं सकता। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण इन सब शरीरों को जो पार कर जाएगा तब जो उसका मरना होगा, तो फिर जन्मना मरना नहीं होगा। ऐसा जिस जन्म में होगा उसके बाद फिर उसका जन्म नहीं होगा, इसलिए बहुत भजन करना है। एक गरीब का बच्चा हो या अमीर का, दुख सबको होता है। बचपन में मल मूत्र पर पड़े रहना, जवानी में विकारों में फंसना, इसी दुख में लगे रहना बुद्धिमता नहीं। इससे छूटने के लिए भजन करना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि अभी कुछ जपते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। यह तो उतना ही है जहाँ से योग का आरंभ किया जाता है, किंतु इस बिंदु के बिना काम नहीं चलता और केवल इसी में लगे रहने से भी काम नहीं चलता। इससे आगे बढ़ने के लिए किसी जानकार गुरु को धारण करो। योग शिखोपनिषद में गुरु को कर्णधार कहा है। कर्ण धारण गुरुं व्याप्यता तद्वाक्यम पल्लव दृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भव सागरम। अर्थात गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भव सागर को लोग पार करते हैं। यह प्रवचन मुरादाबाद नगर स्थित श्री संत मत सत्संग मंदिर में दिनांक 14/10/1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।